वो जिस पे ओपन करना। हाँ टर्मिनल तो आ चुका ना। हाँ अब बस, हाँ टर्मिनल तो आ गया ना। अब बस कहाँ शो कराना है मुझे, फ्रंट पे शो कराना टेबल के अंदर। तो लाइन नंबर 26 में लिखा है डेटा, हम डेटा भेज रहे हैं ना सब चीजें जो सिखा दिया था ना लास्ट क्लास में इतना। अब बस हमें डेटा शो कराना है फॉरिच का लूप लगा के, ठीक है। क्या शो कराना पड़ेगा, फॉरिच लूप लगा के हम डेटा शो कराएंगे। तो अब डिस्प्ले वाले पेज पे आ जाओ। हाँ, अब चलो अब देखो यहाँ पे, अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे लगाना होगा फॉरिच लूप। अब लूप क्यों लगाना है, क्योंकि तो देखो हमें लूप क्यों लगाना है, क्योंकि तो बंदा बीटेक का फॉर्म भरेगा, बंदा एमटेक का फॉर्म भर सकता है ना, तो उसके लूप लगाते हैं। तो अब क्या करते हैं, लूप क्यों लगाया जाता है, मल्टीपल डेटा शो कराने के लिए। तो अब लाइन नंबर 11 के नीचे आओ, लाइन नंबर 11 के नीचे आ जाओ, एंटर दो। अब जब जिस लाइन नंबर 13 बार टीआर को बंद कर लो, मतलब ऐसे टीआर से टीआर कम बंद कर लो, कमेंट नहीं करना बंद कर लो। हाँ अब मुझे इस वाले टीआर को पूरा है ना, टीआरजे इसको मैं पूरा डायनेमिक करना है। अब जो डेटा हमें शो कराना है वो टेबल के अंदर शो कराना है ना, टीआर के अंदर। तो हमें इस टीआर को डायनेमिक करना पड़ेगा, तो हमें लगाना पड़ेगा फॉरिच लूप। अब कैसे लगाते हैं वो आप देखो, लिखो परसेंट लेस देन परसेंट, अभी कोई नोट नहीं करना, लेस देन परसेंट स्पेस, देखो स्पेस देकर डी डॉट, डी में लेकर आ रहे हमारा सब लोग डेटा, डी में तो क्या आ रहा था, वहां से रेंडर होके आ रहा जो लिखा था ना अपन ने। अब लोगों फॉर ईच, ई का ई कैप्टर कर देना, फॉर ईच ई कैप्टर, हाँ ईच फंक्शन का साइन, उसके अंदर एरो फंक्शन, उसके अंदर एरो फंक्शन, हाँ देखो ये को लगाओ फंक्शन का साइन इक्वल एरो, एरो कर्ली ब्रैकेट लगा के एंटर दे दो, एंटर दे दो। अब देखो जो ई में आ रहा है ना, ई में डेटा क्या आ रहा है, अब इस डी सॉरी जो डी के अंदर जो डेटा आ रहा है ना, डी के अंदर, अब वो डेटा हमें किसके अंदर रखना होगा, फॉर ईच के अंदर एरो फंक्शन में रखना होगा। तो वो हम डेटा रख देते हैं आइटम नाम से, आइटम रख देना, पैरामीटर पास करना पड़ेगा ना आइटम, ये तो आइटम। अब देखो जो डेटा डी के अंदर आ रहा था, अब वो डेटा हमने किसके अंदर रख दिया, फॉर ईच के अंदर रख दिया हमने आइटम में। अब फॉर ईच के अंदर हमने आइटम में क्यों रखा, क्योंकि मल्टीपल डेटा शो होंगे ना, समझ आ रहा नहीं आ रहा, तो वो हमें इसमें रखना पड़ेगा ना आइटम के अंदर। आइटम मतलब एक वेरिएबल है, आइटम क्या है, एक वेरिएबल है सिंपल सा, जो जो डेटा डी में जो भी कुछ आ रहा था ना, उसको हमने फॉर ईच के अंदर आइटम में रख दिया। इससे क्या होगा कि हमारा लूप चलता रहेगा, है ना, ये तो लूप जानते हो ना सब लोग, चलता रहेगा। अब देखो, अब अगर मेरे टी आर, आपको दिख रहा है टी आर, अब अगर मेरे टी आर वाला कोड उठा के उसके अंदर पेस्ट कर दूँ ना, तो पता क्या दिक्कत आएगी। अब जो जी कोड है ना, परसेंट लेस देन परसेंट जी कोड है ईजीएस का, और ये सिंपल सा कोड है एचटीएमएल का, तो ये इनको हम साथ में नहीं लिख सकते। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लाइन नंबर 12 के आगे कर्ली ब्रैकेट्स को कमेंट कर बंद करना पड़ेगा। लाइन नंबर 12 पे आओ, कर्ली ब्रैकेट्स के बाद परसेंट ग्रेटर देन लगा दो, अरे बगल 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 में उसके कर्ली ब्रैकेट्स के बगल में, सिंटेक्स बंद करना पड़ेगा। तुम एक काम करो, बैटरी वाला कोड कॉपी पेस्ट करो, लाइन नंबर 26 वाला पूरा कोड पूरा डालो उसके अंदर, उसके अंदर डाल दो ठाकुर पूरा, अभी कुछ समझ तो मैं आज अपने आप आ जाएगा, अंदर बीच में डाल दो। बस अब जाके चेक करो, अभी देखना आपके सामने एरर आएगी। अब जाके चेक करो ब्राउजर पे, अब सब देखना जो एरर आ गई, थोड़ा जूम कर दिखाओ ना, जूम करो, देखो सब लोग एरर क्या कह रहा है, देखो सब लोग कह रहा है कुड नॉट फाइंड मैचिंग क्लोजिंग टैग फॉर, देखो एरर दे रहा है, कह रहा है कि आपने टैग स्टार्ट तो किया, मुझे टैग क्लोज नहीं किया, एरर आ गई सामने, क्योंकि तो ये टैग है ईजीएस के। अब आप ईजीएस के अंदर फॉर ईच के अंदर आप एचटीएमएल में लिखना चाहते हो, तो साफ बोल दिया कि आपने टैग क्लोज तो किए नहीं, तो एचटीएमएल में आप कैसे लिख लेते हो। देखो तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, कोड में आओ, तो पहले हम क्या करेंगे, लाइन नंबर 12 में लिखा ना जो कर्ली ब्रैकेट्स एंड कर्ली ब्रैकेट्स स्टार्ट हो रहा है, जो यहाँ पे परसेंट कर लो ग्रेटर देन, परसेंट ग्रेटर देन करो, थोड़ा स्पेस दे दो, स्पेस
पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पहले यहाँ बंद करना पड़ेगा सिंटेक्स को। अब लाना 25 पे, आप 25 पे यहाँ पे, यहाँ भी बंद करो और उसके आगे स्टार्ट कर लो, लेस देन ग्रेटर देन। हाँ पहले आगे कर लो, लेस देन परसेंट, परसेंट लिखो और उसके पीछे लिखो परसेंट ग्रेटर देन। इस तरीके से आप काम कर, अब देखो इससे क्या होगा, हमारा फॉरिच वाला सिंटेक्स भी काम करेगा और हमारा एचटीएमएल भी काम करता है इस तरीके से। तो हमने पहले क्या किया, फॉरिच के सिंटेक्स स्टार्ट किया, उसका कर्ली ब्रैकेट्स बंद, वो कर्ली ब्रैकेट्स स्टार्ट हो रहा था। तो अब जैसे अब मैं क्या कर रहा था, इजी सिंटेक्स बंद नहीं कर रहा हूँ तो एचटीएमएल के चक्कर में एरर दे रहा था। तो हमने पहले क्या किया, सिंटेक्स बंद किया और फिर नीचे देखो जो कर्ली ब्रैकेट्स एंड हो रहा है वहाँ पे सिंटेक्स स्टार्ट किया और सिंटेक्स एंड किया। इससे क्या होता है कि फॉरिच भी चल जाता है और हमारा एचटीएमएल का कोड भी चल जाते हैं। अब जाके चेक करो, अब एरर नहीं आएगा। देखो अब देखो दो रिकॉर्ड क्यों दिखा रहा है जानते हो, क्योंकि इसकी मोंगोडीबी में दो डेटा इंसर्ट होंगे। जाके चेक करो मोंगोडीबी में, देखो इसका मतलब हमारा लूप चल रहा है, इसकी मोंगोडीबी में देखो दो डेटा इंसर्ट होंगे कोर्स वाले टेबल में, जाके चेक करो। कनेक्ट पर क्लिक करो, देखो सब दिख रहे हैं दो डेटा इंसर्ट। तो सीधी दो बार लूप चल रहा है। अब आप कोड में आ जाओ, अब हम इसका करेंगे डायनेमिक करते हैं। आ जाओ कोड में आ जाओ, अब पहले आप लोग इतना कर लो, पहले सही करो, सही लिखो, सही लिखो, सही पहले सही से आप लोग चेक करें। इस तरीके से पहले आप लोग चेक कर लो, ऊपर चलो, ऊपर चलो, पहले जी बंद कर दो टीआर को, पहले आप लोग आगे चेक करो। इस तरीके से यूज करते हैं, यहाँ पे इक्वल यूज करते हैं प्रिंट करने के लिए, इक्वल जो लगा था। हाँ साथ में आएगा, साथ में आता है, उसके पास में आएगा, गैप नहीं आएगा इक्वल में। हाँ इक्वल स्पेस दो, फिर आइटम डॉट, आइटम लिया ना मेरे, माइक बंद कर लो कोई, आइटम डॉट अंडरस्कोर आईडी, क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आईडी बनती है ना बाई डिफॉल्ट, वो कैसे बनती है, अंडरस्कोर आईडी नाम से बनती है। तो स्पेस दे दो और बंद कर दो परसेंट गेट देन। अब ऐसे नीचे ले लो, सेम नीचे ले जाओ नेम, ऐसे नीचे ले लो नेम, ईमेल और फोन नंबर ले लो, वहां पर चेंज करते जाओ जैसे डेट आउट क्या आएगा डायनेमिक तुम्हारा। बस पहले चेक कर लो इतना, ये डेटा आया कि नहीं, चेक करो, रिफ्रेश करो, देखो सब आईडी उठ के आ गया, नेट उठ के आ गया सब, देखो यहाँ पे इधर सोन लगा। आप लोग इनको दिखा दो, अब ये नेम, जो नेम ईमेल कौन से हैं जो आपके मॉडल के अंदर बने हुए थे, वही वाले नेम ईमेल है। ये व्यू करना हो तो जैसे मैं इस व्यू वाले बटन पे क्लिक करूँ तो रोहित का पूरा डेटा डिस्प्ले होना चाहिए, है ना। अगर मुझे रोहित डेटा एडिट करना हो तो पूरा एडिट होना चाहिए, अगर मैं उसको डिलीट करना चाहूँ तो पूरा डिलीट होना चाहिए, है ना। तो अब व्यू वाला काम कैसे होगा, सबसे पहले व्यू वाला काम, तो व्यू वाला काम कैसे होगा, उसकी आईडी से होगा ना। आप तो चलाते हैं फेसबुक, फेसबुक क्या होता है, आप अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करते हो तो आपकी प्रोफाइल खुल जाती है, तो वो सारा काम किससे होता है, आपकी आईडी से। अब यहाँ पे आपको आईडी दिख रही है, देखिए ना आईडी जो आ रही है, रोहित की आईडी और सबकी आईडी दिख रही है ना। हमें क्या करना पड़ेगा, इस बटन पे वो आईडी कॉल करनी पड़ेगी, और जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूँगा तो एक राउट बनेगा, तो यहाँ से आईडी जाएगी राउट के पास, और फिर एक बैकएंड बनेगा, वही का नाम है एडमिन, वो का नाम है मेथड बनेगा, और मेथड से डेटा आईडी पहुँचेगी वहाँ पर, और फिर उस आईडी से हम क्या करेंगे, डेटा को फाइंड करेंगे। सिखाया था ना फाइंड करना मोंगोडीबी में आईडी के थ्रू, तो अब वही काम करना है। मगर अब वो काम सारा कैसा होगा, यहाँ पे डायनेमिकली होगा, ठीक है। तो आओ बटन पे, अभी वाले बटन पे आ जाओ, तो एच आर एम पे लिखो स्लैश स्लैश व्यू,
व्यू स्लैश स्लैश और स्लैश लगाओ, आईडी भी तो पास करनी पड़ेगी। लेस देन परसेंट इक्वल, लेस देन परसेंट इक्वल इक्वल फिर आइटम डॉट अंडरस्कोर आईडी स्पेस देके, आइटम डॉट अंडरस्कोर आईडी, क्योंकि हमें आईडी लेके जाने पड़ेगी यहाँ से। अब यहाँ से आईडी जी कहाँ जाएगी, राउट के पास, राउट से कहाँ जाएगी कंट्रोलर के पास, और कंट्रोलर से कहाँ पहुँचेगी मेथड के पास पहुँचेगी। सेव कर लो, अब ब्राउजर पर चेक करो उस पर आईडी आ रही कि नहीं आ रही। ब्राउजर पे आओ, रिफ्रेश करो एक बार, देखो आईडी आ रही है, रिफ्रेश करो, रिफ्रेश तो देखेगी आईडी, माउस ले जाकर देखो। हाँ क्लिक कर लो, क्लिक दिख जाएगी तुम्हें, क्लिक करके दिखा दूंगा यूआरएल में। देखो सब दिख रही है आईडी, थोड़ा जूम कर देना, देखो दिख रही है आईडी, ऊपर यूआरएल में आईडी आ रही है, ये आईडी आ रही है, सब देख लो। यही आईडी को लेके हमें जाना पड़ेगा राउट के पास, राउट से आईडी कहाँ जाएगी कंट्रोलर के पास, कंट्रोलर से कहाँ जाएगी आईडी मेथड के पास, और फिर इसी आईडी से हम डेटा गेट कर लेंगे उसी बंदे का, क्योंकि तो आईडी हमारी यहाँ पे क्या होती है यूनिक होती है ना, ऑब्जेक्ट आईडी बन के आती है। चलो इनको दिखाओ, पहले आप लोग चेक करो आपकी आईडी आ रही कि नहीं आ रही इस तरीके से, इनको दिखाओ कोड। व्यू स्लैश कोलन आईडी, अब जैसे ही अपन वहां पर व्यू पे क्लिक करेंगे तो वहां पाथ क्या था, व्यू स्लैश आईडी, तो यहाँ व्यू मिल गया और आईडी इसमें आकर स्टोर हो जाएगी। सब राउट लिख ले, अब व्यू नाम का मेथड बनेगा, स्पेशली मुझे आईडी लेके कहाँ जानी है, व्यू वाले मेथड में लेके जानी है। लिख लिया मेथड, बोलो। चलो आ जाओ अब उस पर, चलो कोर्स कंट्रोलर बनाओ एक व्यू नाम का मेथड, कोर्स कंट्रोलर पे बनाओ एक व्यू नाम का मेथड, कोर्स कंट्रोलर पर जी ऊपर वाला मेथड कॉपी कर लो पहले उठा के। नीचे पेस्ट कर लो, अब लिखो उसके अंदर कंसोल डॉट लॉग, पहले चेक करेंगे आईडी उठ के आ रही कि नहीं आ रही है, कंसोल डॉट लॉग कंसोल डॉट लॉग, उसमें लिखो आरई क्यू। अब देखो आईडी कैसे गेट करते हैं अपन, जानते हो परम्स, आरई क्यू डॉट परम्स डॉट आईडी, देखो आरई क्यू परम्स डॉट आईडी। हाँ परम्स की मदद से हम क्या करते हैं आईडी को गेट करते हैं। अब सेव करो, अब पहले वही बिता क्लिक करके चेक करो कि आईडी उठ के आ रही कि नहीं आ रही यहाँ पर। क्लिक करो व्यू वाले पे, व्यू पे क्लिक करो, जाकर वहां चेक करो, ये टर्मिनल में देखो सब लोग आईडी आ गई, देखो सब देख पा रहे हैं, ऐसे आप लोग चेक करो सब लोग, देखो आईडी आ गई पहले, अब आर ई एस डॉट रेंडर किया कोर्स स्लैश व्यू, ठीक है ना, कोर्स के अंदर व्यू डॉट इजन फाइल बनेगी, और हेडर फुटर कॉल करके चेक करो ऊपर जाके, और लिख देना एच1 में व्यू पेज, बटन पे क्लिक कर देना व्यू पेज पे हम जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं चेक कर लो।
वहाँ पे आना उस पर हेडर में, चलो हेडर में, हेडर में आओ हेडर में, क्योंकि आईडी वाला जब काम होता है ना तो हेडर में आओ, हेडर डॉट ईजीएस में आ जाओ, ऊपर चलो हेडर में, चलो सब लिंक ऊपर हेडर ऊपर चलो, नीचे आओ सीएसएल, नीचे आओ नीचे नीचे आओ नीचे, थोड़ा लाइन नंबर 13 पे आओ, 18 देखो 18, इसके आगे सीएसएल लगा दो, सीएसएल लगा स्लैश लगा दो स्लैश, हाँ अब ऐसे और नीचे आओ, सब लोग जे सीएसएस के आगे स्लैश लगा देना, आपने आपने कॉल करी हो तो अपनी सीएसएस, और नीचे आओ इमेज के आगे भी स्लैश लगा दो, नीचे आओ नहीं 12 में लगा ना इमेज, इसके आगे एसआरसी के आगे स्लैश लगा दो, है ना, अब फुटर फुटर सब लोग लगा लेना इस तरीके से, इमेज के आगे स्लैश, आ गया देखो, अब ऐसे एक और लगा लो स्लैश, तुम्हारा छूटा हुआ है जो एक और स्लैश, बाकी लोग इमेज के आगे एसआरसी के आगे स्लैश लगा लेना, सेव करो, फुटर दिखाओ, फुटर में तो कुछ नहीं है सर, फुटर पे आप फुटर पे, ठीक है चलो, अब आज के लिए इतनी रखो, है ना, क्योंकि बच्चे बहुत कम है आज बैच में।